बिग बॉस की ओटीटी विनर, जी हाँ, दिव्या अग्रवाल इस वक्त सामने आई हैं और उन्होंने अपने आप को यानी कि खुद वो चैलेंजर बनकर बिग बॉस के घर में आ रही हैं या नहीं, गेम पलटेगा या नहीं, उस बारे में बात की है। चलिए आपको बताते हैं क्या उन्होंने कंफर्मेशन दी है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। दिव्या अग्रवाल वो शख्स है, दिव्या अग्रवाल वो कंटेस्टेंट है बिग बॉस की। इनफैक्ट रियलिटी शो क्वीन दिव्या को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो भी रियलिटी शो किया उन्होंने वो जीता, चाहे वो यू नो एस ऑफ स्पेस हो, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो एमटीवीज रोडीज हो, स्प्लिट्सविला हो, वो हर शो पर मोस्टली नजर आई हैं और ज्यादातर उन्होंने शोज में, रियलिटी शोज में सक्सेस हासिल की है। लास्ट बट जिस तरीके से ओटीटी पे दिव्या अग्रवाल छा गई, दिव्या लिटरली अकेले शो जीतकर बाहर निकली। अकेले से मेरा मतलब है कि जोड़ियों का शो था, लेकिन दिव्या शुरू से लास्ट तक अकेले रही और अकेले होते हुए भी उन्होंने शो जीता जिस तरह से, तो वो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा अम्यूजिंग फैक्टर था। ऐसे में सीजन 15 जब शुरू हुआ तो दिव्या को बुलाया गया एज अ गेस्ट वहां पर, और अब इस बात की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि एज अ चैलेंजर बिग बॉस चाहते हैं कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट चेहरे घर के अंदर आए। जैसे कि अगर कॉमन फेसेस आएंगे घर के अंदर जो हमेशा से आए हैं, चाहे वो देवलीना हो, चाहे वो रश्मि देसाई हो, चाहे वो यू नो राखी सावंत हो, तो ऐसे नाम अगर घर के अंदर आएंगे तो फैंस थोड़ा सा जो है एक बोरियत उनके अंदर आ जाएगी, तो वो चीज बिग बॉस चाहते हैं कि अवॉइड की जाए। इसीलिए नए नए चेहरों को अप्रोच किया जा रहा है और खास करके अगर ऐसे स्मार्ट लोग आएंगे शो के अंदर जिनका गेम स्ट्रैटेजी बनाना ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड है जैसे दिव्या है, तो फिर गेम में वाकई चार चांद लगेंगे। सो मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली इस बारे में दिव्या अग्रवाल से जब सवाल किया गया व्हाट वाज द रीजन कि यू नो कि आप हमें रियलिटी शो में कब नजर आएंगी, जिसके बाद वो कहती हैं कि हाँ, वो कहती हैं दैट्स व्हाट हैपेंड इन ओटीटी, आई वाज टोल्ड दैट द वन हु विंस द ओटीटी सीजन विल गो ऑन द मेन शो, दिस कॉन्वर्सेशन हैपेंड बिफोर जॉइनिंग द शो बट देन आई वाज इक्वली क्लूलेस एज द ऑडियंस, आई थिंक आई डिडंट हैव शिटी इन माय नेम सो आई वाजंट इन द न्यू शो। जी हाँ, यानी कि उन्हें कहा गया था जब ओटीटी उन्होंने किया था कि आप अगर इसमें जीत जाएंगी तो आप ऑटोमेटिकली यू नो वहां पर पहुंच जाएंगी, लेकिन मुझे वहां पर लेकर नहीं जाया गया। शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी को लेकर जाया गया और उसी के साथ साथ बाकियों को लेकर जाया गया, ना कि मुझे। जिसके बाद अब रिसेंटली उनसे इस बारे में पूछा गया और रिसेंटली उनसे कहा गया कि अगर अब दोबारा मेकर्स आपको बुलाते हैं तो क्या आप जाओगे, तो वो कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे कितना भी बुलाएं तो भी मैं बिग बॉस में कभी नहीं जाऊंगी। जी हाँ, पहले तो जब चाहती थी तब बुलाया नहीं और अब अगर चाहेंगे तब भी नहीं जाऊंगी। सो दिव्या अग्रवाल ने तो ऐसा लगता है कि क्लियरली वो जो उन्होंने ग्रज रखा था वो अब दिख रहा है, और ग्रज जायज भी होता है कई बार रखना। सो दिव्या ने क्लियरली अपनी तरफ से कह दिया है कि अगर बुलाएंगे भी आप तब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सो आपको इस पर क्या है कहना बताइएगा।